डार्क स्पॉट्स को रिमूव करना, दाग धब्बों को दूर भगाना, थ्री स्टेप्स में। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आपको देखना है इस वीडियो को एंड तक, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस स्किन केयर को डेली बेसिस में अप्लाई करने से नया पुराना जिद्दी हो, चाहे कैसा भी दाग धब्बा हो, स्पॉट्स हो, पिगमेंटेशन हो, बिल्कुल दूर हो जाएगा अगर आप इस स्किन केयर को फॉलो करोगे। Welcome back to my channel. मैं हूँ ज्योति। Today I'm going to share another useful video with you. Yes, in this video I'm going to share how you can remove your dark spot very easily with three basic steps. मैं आपके साथ शेयर करूँगी दाग धब्बों को आप अपनी स्किन से कैसे दूर भगा सकते हो, तीन बेसिक स्टेप्स का शेयर कर देती हूँ कि डार्क स्पॉट यानी कि दाग धब्बे हमारे स्किन में आते क्यों है, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आप किस किस रीजन से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स यूज करूंगी वो आपके पास नहीं अवेलेबल होंगी, तो आप उसके सब्स्टिट्यूट में क्या यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट मीन्स आप उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इसके रीजन क्या होते हैं। सबसे पहला तो रीजन यही होता है कि जब हम सन को ज्यादा फेस करने लग जाते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन हट जाते हैं, सन हमारे फेस को बिल्कुल डैमेज कर देता है, सन बर्न हो जाता है, सन टैन हो जाता है, तो उसकी एक लेयर हमारी स्किन में आ जाती है और हमारे स्किन में मेलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। मेलेनिन प्रोडक्शन क्या होता है, मैंने आपके साथ हेयर्स में एंड हमारी स्किन में मेलेनिन होते हैं जिसका प्रोडक्शन से हमारे हेयर्स बहुत ज्यादा काले होने लग जाते हैं एंड हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा डार्क होने लग जाती है। अगर हमारे हेयर्स काले हो बहुत अच्छी बात है, बट हमारी स्किन डार्क हो जाए, उसमें मेलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए होती हमारी स्किन बिल्कुल डार्क हो जाए। तो या हमारे फेस में पिंपल्स एक्ने आ जाते तो वो जाते जाते ऐसे जिद्दी स्कार्स, ऐसे जिद्दी स्पॉट्स छोड़ के जाते कि उनकी वजह से भी हमारा फेस बिल्कुल अग्ली लगना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि किसी के एलर्जी स्पॉट्स होते हैं, किसी के चिकन पॉक्स होता है तो उस वजह से भी स्पॉट्स आ जाते हैं। क्या बेसिक स्टेप होने वाले, फर्स्ट मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ स्क्रब। तो मैंने लिया है ये स्क्रब, अगर आपके पास स्क्रब ना हो तो मैंने आपके साथ एक DIY स्क्रब शेयर किया था। शुगर लेनी है, लेमन लेना है, उसके साथ आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका भी। उसका है यहाँ पर टोनर, तो टोनर अगर आपके पास नहीं है तो इसका भी DIY टोनर मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा उसका। मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसका, कोई भी सब्स्टिट्यूट मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी सर, कोई भी DIY नहीं, बिकॉज ये सबके घर में अवेलेबल होता है। पोटैटो स्लाइस सबके घर में अवेलेबल होता है बिकॉज इट्स अ किंग ऑफ वेजिटेबल। या किसी घर में कुछ हो ना हो बट ये जरूर अवेलेबल होता है एंड में इसकी सब्जी जरूर बन जाती है। जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज किए उन सब में मुझे डिस्काउंट मिला है, अगर आप भी पाना चाहते हो डिस्काउंट तो आपको करना है मेरी वीडियो को एंड तक वॉच, एंड में मैं आपको बताऊंगी डिस्काउंट कैसे मिलता है। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बट उससे पहले प्लीज ये चीज कर दो, रेड कलर के बटन को प्रेस कर दो, इट्स टोटली फ्री एंड हिट द बेल बटन जिससे आप नोटिफाई होते रहेंगे, डू नॉट स्किप द वीडियो। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर स्क्रबिंग से। तो मैंने यहाँ लिया है मोदी केयर का श्लोका एवोकाडो फेस स्क्रब ओटमील एंड नेरोली। तो ओटमील एंड नेरोली जब आप इसे अप्लाई करोगे ना तो सीरियसली आपको लगेगा कि आपने ओटमील एंड नेरोली ऑयल को अपने हाथों में नेचुरली यूज करके अपने फेस में से अप्लाई कर रहे हो। बिल्कुल जेंटली एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारे पोर्स को अनक्लॉक करके उसकी सारी गंदगी को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, इम्प्योरिटीज को क्लीन करता है, एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेता है, सोक कर लेता है। एट द सेम पॉइंट नैरोली ऑयल का इतना अच्छा वर्क है ना, हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके फ्रेश लुक प्रोवाइड करता है, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें। सो इस स्क्रब का बहुत अच्छा यूज है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है एक पोटैटो एंड एक लिया है मैंने यहाँ नाइफ। तो यहाँ पर मैं एक पोटैटो का स्लाइस कट कर लूंगी और इस तरह से ऑल ओवर पूरे फेस में अच्छे से इसे अप्लाई करूंगी, कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन में पूरे फेस की एक एक जगह पे इसे अच्छे से अप्लाई करूंगी, बिकॉज ये हमारे डार्क स्पॉट के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पिगमेंटेशंस को भी दूर करता है रेगुलर अप्लाई करने से, एक बार से कुछ नहीं होता है। पोटैटो में ब्लीचिंग एजेंट्स भी होते हैं, 30 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दूंगी, 30 मिनट्स के बाद मैं एक रुमाल को वेट करके अपने पूरे फेस को क्लीन भी कर लूंगी, आप चाहो तो अपने फेस को वॉश ऑफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आता है टोनिंग का, मैं यहाँ ले रही हूँ मोदी केयर का श्लोका का टोनर। तो इसमें ग्रीन टी एंड कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, टोनर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बिकॉज हमने स्क्रबिंग की है, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट किया है तो हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं, तो हमें उन्हें मिनिमाइज या श्रिंक करने की जरूरत है, अदरवाइज उन पे इंप्योरिटीज घुस जाएंगे जिसकी वजह से डार्क जो स्पॉट्स है ना वो और ज्यादा डार्क हो जाएंगे। सो ग्रीन टी का मेन जो मोटिव होता है हमारी स्किन को हेल्दी रखना होता है, काफी सारे इसमें अच्छी अच्छी गुड प्रॉपर्टीज होती है। कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट एक फ्लावर है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा फ्लॉलेस सा लुक देता है, पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है। आई होप
होप आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे इन प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट कैसे मिला है। मैंने किया है मोदी केयर को ज्वाइन, जिसके बाद ही मुझे सारे प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है ऑन द स्पॉट विदाउट एनी बार्गेनिंग। सो या जो भी मोदी केयर को ज्वाइन करता है उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है डिस्काउंट वाली। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, बेनिफिट पाना चाहते हो, तो आपको करना है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट, और आपको सिर्फ ज्वाइन करने के रिगार्डिंग ही कॉन्टैक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है ना किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए, मैं वीडियो के साथ आपका सॉल्यूशन लेके आऊंगी। सो या वीडियो हेल्पफुल रही तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है, लाइक आइकन को प्रेस कर दो, डेली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो या टिल देन बाय बाय।